मैं सभी सागर सिंगर एंड राइटर पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। सो यहाँ के J&K के एक्टिविस्ट शीतल सिंह जी, जिनके बारे में मुझे पता चला कि वो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना के दिनों में इन्होंने अच्छा काम किया, तो मेरा इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया था भजन मीठी मीठी मुरली, तब से मेरी इनसे पहचान हुई। मैंने इनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे और मैंने इनके लिए गाना लिखा, कंपोज़ किया और गाया दुआमा सॉन्ग, लोग देंदे रोज़ दुआमा शीतल सिंह जो है दर्दी नू। सो ये सॉन्ग मैंने इनके लिए गाया है, तो आज प्रेस क्लब में इस सॉन्ग को रिलीज़ किया गया है। अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैं इनको ये विनती भी करूँगा कि अगर बाहर से इतनी दूर से किसी गेस्ट को बुलाते हो तो उनको कृपया तवज्जो भी दिया करें। आपने देखा होगा मीडिया वालों ने कि एक बंदे ने 3 काम किए हैं, गाया भी है, लिखा भी है और कंपोज़ भी किया है, और सिंगर कहीं भी इस फंक्शन में, इस रिलीज समारोह आपको नज़र नहीं आ रहा, सिंगर को के कोने में बिठा दिया गया है। सो इस चीज़ से मैं थोड़ा खफा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी यहाँ के लोकल हैं, सभी जल्दी आ गए। मैं सुबह 5 बजे का उठा हूँ और इतना लंबा 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आया हूँ, इसलिए नहीं आया कि मेरे को एक कोने में बिठा दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं। ये मुझे थोड़ी सी खली, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी रही बात फंक्शन की, तो फंक्शन ठीक है, इन्होंने अपने लिए फंक्शन किया है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे आए हुए चीफ गेस्ट मैम और सनम जी और सुनील सर, जैक्सन सर और बाकी जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, मैं इनका बड़ा थैंक्स करता हूँ। और जो हमारे पंजाब से सिंगर हैं साबर साबी जी, जिन्होंने इस गाने को लिखा और म्यूज़िक भी दिया और एक सोसाइटी में एक मैसेज दिया है इस सॉन्ग के जरिए कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो महामारी पहले आई थी वो दोबारा ना आए, और उससे हमें कुछ सीखना चाहिए महामारी से, जैसे लोगों ने रिश्ते नाते सारे ख़त्म किए हैं, तो दोबारा ऐसा ना हो, एक ये मैसेज था। लॉन्च रखा गया था सॉन्ग का, बेसिकली ये एक सॉन्ग नहीं है, ये एक मैसेज है हम लोगों के लिए, और हर एक जो भी वर्ग का हमारे जम्मू में जितने भी लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम कास्ट कलर क्रीड, हम लोगों के लिए एक मैसेज है कि अच्छा काम करने से और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। रीज़न कि हमारे शीतल साहब, शीतल जी जो हैं, शीतल भाई हैं, इन्होंने, क्योंकि जब हमने ये सॉन्ग देखा इस वक्त, तो हमें वो पुराना सारा टाइम याद आ गया, जो कि पूरी वर्ल्ड ने सहा था, ये जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम ये बड़े ही तकलीफ़ दे माहौल था, कोई इंसान एक दूसरे को हाथ नहीं लगाता था, तो उस टाइम शीतल जी ने लोगों को आगे बढ़कर हर चीज़ प्रोवाइड की, हर चीज़ अंतिम संस्कार किए इन्होंने, दफनाए लोग और लोग हाथ नहीं लगाते थे उस वक्त, तो ये एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए कि ये इस तरीके से ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इंसान कायम रखनी चाहिए। और जो हमारे सिंगर हैं, ये अपने साबी सागर जी जो पंजाब से आए हैं और उन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग लिखा है शीतल जी पे, तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग चीज़ है हम लोगों के लिए कि भाई सब देखो बाहर से लोग आके हम लोगों के काम को एक्नॉलेज करते हैं, तो शीतल जी के काम को भी इन्होंने एक्नॉलेज किया है, और मैं चाहती हूँ कि शीतल जी ऐसे ही प्रमोट करते रहें इस तरीके के कामों को, ताकि लोग भी सीखें कि किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।